प्रमोद भैया थोड़े दिन के लिए बीजेपी में गए थे कि क्या गईबाजी करते हैं ये लोग, तिकड़मबाजी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, पूरी उनके दुष्कर्म की सारी कथा सीख के वापस आए हमारे प्रमोद भैया। जोरदार तालियां बजा उनके लिए सब जने। लगातार 9-10 साल 11 साल तक अध्यक्ष रहे और थोड़े दिन में समझ में उनके भाव को, इसकी भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी के अंतर को वो समझे और बिना स्वार्थ बिना पद की लालसा से बीच हमारे बीच में आज उस दिन में आ नहीं पाया था प्रमोद भैया। मैं आपका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और पूरे परिवार के परिवारजनों से भी अनुरोध करता हूँ तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। मन पर सभी परिवार के और भी साथी हैं, मिंडा जी हैं हमारे सीनियर मोस्ट, हमारी मैडम है, हमारे विधायक संजय शुक्ला जी, पूर्व अध्यक्ष जी हमारे बाकलेवाल जी है, स्वप्निल भैया है, पिंटू भैया है और गोलू भैया है। मैं मानता हूँ कि सारे और परिवार के लोग हैं सबसे, हाँ अच्छे भैया भी हैं और देवेन यादव मेरा पुराना साथी, उनका उन्होंने ही तैयार किया मेरे को, ABCD सिखाई। असल में तो मेरी पूरी जिंदगी आप लोगों की मार डांट फटकार प्यार दुलार सीख और 20 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला, पर आप सबके चरणों में सर रखकर जितने ऊपर बैठे हैं सबके परिवार के साथियों की कृपा बनी रहे। साथियों ढोल ग्यारस की आज सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ऐसा दिन पार्टी के हम सब ने मिलकर चुना जिसमें एक पवित्रता है और उस पवित्रता का असर यह था कि ढोल ग्यारस के दिन भी इतनी बड़ी तादाद में इतने असंख्य लोग, हजारों लोग देपालपुर मेटमा और पूरी धार रोड पे मिले। मैं अपने आप को इससे गौरवान्वित समझता हूँ। साथियों मैं लगभग 19 विधानसभा में अभी इस यात्रा को लेकर, संघर्ष की यात्रा को लेकर गया हूँ। स्पष्ट दिख रहा है कि मालवा में पहले हम लोगों को ऐसा लगता था कि थोड़ी कमी है, पर मालवा में 70-30 के रेशो से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इस भाव को मैं आप सबके सामने दोहराना चाहता हूँ। बहुत आक्रोश है लोगों में, भयंकर आक्रोश है, आक्रोश तो था पर इतना ज्यादा था ये मैं समझ नहीं पाया। हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष हमारे नगर निगम के चिंटू चौकसे जी भी हैं। मैं मानता हूं कि ऐसी पूरी परिस्थिति में हम सबकी जवाबदारी होती है, जिम्मेवारी होती है कि पार्टी इतनी गंभीर है कि इतने बड़े त्योहार के दिन भी अगर इस यात्रा को उन्हें पूरे प्रदेश में सारी जगह चल रही है या उसको सुचारू रूप से बंद करने के निर्देश नहीं दिए हैं, इसका मतलब है कि हम सब मिलकर इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 100% बनाएंगे। साथियों थोड़े दिन पहले आज जिसका समापन हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने जन आशीर्वाद यात्रा का पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने निकाली और आज उसका समापन हुआ। पिछले साल जब 5 साल पहले जन आशीर्वाद यात्रा सिर्फ शिवराज सिंह चौहान निकालते थे, जन आशीर्वाद यात्रा में फिर से आशीर्वाद मांगा गया। आशीर्वाद जब अमित शाह जी से पत्रकारों ने पूछा कि आपका चेहरा इस चुनाव का कौन होगा, शिवराज जी या कोई और, अमित शाह जी ने कहा कि हमारा इंटरनल मामला है, हम इसको सही समय पे आपको बताएंगे। जेपी नड्डा से भी जब सवाल हुआ उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के बाद भी उन्होंने स्पष्टता नहीं की और सबने एक साथ कहा कि हमारा नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद देने को तैयार नहीं शिवराज जी को, तो फिर हम जनता को क्यों देना चाहिए बताओ, आप जरा देना चाहिए क्या? अब एक तरफ आशीर्वाद चाहिए किस बात का, कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवार के लोग यहाँ बेरोजगार नए बच्चे घूम रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा आपने प्रदेश में कर्ज ले लिया, हर आदमी पर 53,000 रुपए का कर्ज है, किसानों की आत्महत्या में हम नंबर वन, किसानों की इनकम की कमी में हम नंबर वन, किसान सबसे ज्यादा कर्जदार यहाँ पे। हालात यह है कि लाडली बहना योजना, मंदसौर में एक बहना सरपंच के पास गई कि मेरा फॉर्म भर दे, आज ही कल की घटना है, आज उसकी FIR हुई है, उसके साथ सरपंच ने बलात्कार कर लिया, 4 लोगों ने शामगढ़ में, बहना ने मुख्यमंत्री आवास योजना उसके लिए फॉर्म भरने गई तो 4 सरपंच के साथ 4 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। हालात क्या है, हालात 2 लाख से ज्यादा बहने मध्य प्रदेश से पिछले 3 साल में गायब हो गई और शिवराज जी लाडली बहना योजना चलाना चाहते हैं, कब, जब 18 साल का उनका शासन चला गया, 18 साल बाद उनको बहन की याद आई, 18 साल पहले उनको जब कोविड काल चल रहा था, जब शिवराज जी को बहनों की फिक्र नहीं हुई, जब वो संकट में थी,
जब कोविड काल निकल गया और अब शिवराज जी संकट में है, तो कहने लगे मैं 450 रुपए में गैस का सिलेंडर दूंगा। ये न्याय है क्या? अरे ये न्याय है क्या? मैं मानता हूं ऐसा कुशासन भ्रष्टाचार जो आज मध्य प्रदेश में है, 3 बार वल्लभ भवन की फाइलों में आग लगा दी गई, ये इससे पहले इससे फिल्मों में ही देखने को मिलता था, अन्य प्रदेशों में नहीं होता है। 40-40, 50-50 लोगों को, गवाहों को व्यापम में उनकी हत्या हो गई, ये मध्य प्रदेश में ही संभव है। 40 परीक्षाएं हुई और 40 में ही घोटाले, लोग बच्चे काम पे नहीं लग पा रहे, उनकी नौकरियां नहीं मिल पा रही है। मैं मानता हूं तमाम ऐसी बातें जिससे आक्रोश जो लोग आप लोग यहाँ सड़क पे उनमें भी है, और महंगाई के कारण घर घर में आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खून के आंसू रो रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को, जिस तरीके से यात्रा को समर्थन पूरे प्रदेश में मिल रहा है अद्भुत और अकल्पनीय है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अद्भुत उत्साह है। जरूरी है हम सब एक रहें, एक साथ रहें, एकजुट होकर कांग्रेस के विचार को घर घर लेके जाएं। 100% 150 सीट से ज्यादा लाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपए बहनों के खाते में देंगे। पत्रकार इस बात का सवाल करते हैं कि जब लाडली बहना का तो आप विरोध करते हो और 1500 रुपए आप फिर देने की बात करते हो। मैं उनको अनुरोध करना चाहता हूं कि हम आती हुई सरकार है, आकर बहनों के लिए हमारी क्या योजना, हमने चुनाव जीतने से पहले बताई, शिवराज जी ने जाने से पहले बताई 3 महीने, तो जाती हुई सरकार में की योजना और आती हुई सरकार की योजना के महत्व को हम सबको समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ होंगे, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक हाफ। कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों को लेकर प्लानिंग बनाई गई है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं को कैसे रोजगार मिले, कमलनाथ जैसा व्यक्तित्व विजन वाला सारे पदों पे उनने काम कर लिया। कोई ऐसा पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को छोड़ के नहीं है कि जो कमलनाथ जी ने उसको आत्मसात करके उसका गौरव नहीं बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि अनुभव के लाभ को, राजनीतिक इतने अनुभव के लाभ को मध्य प्रदेश को डिलीवर करना चाहते हैं, वापस लौटाना चाहते हैं। इतनी उम्र में इतनी ताकत से भिड़ना और इतनी मेहनत करके कांग्रेस की सरकार बनाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही भाव है कि वो मध्य प्रदेश ने जो उनको दिया वो वापस देना चाहते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अब इस बार आप लोगों को पता है कांग्रेस के कैंडिडेट कौन कौन होने वाले हैं? पता है क्या? हाथ का पंजा, कार्यकर्ता को सिर्फ हाथ का पंजा दिखना चाहिए, किसको पार्टी टिकट दे, व्यक्ति कौन हो, ये अपनी जगह हो सकता है, पर हाथ का पंजा हमारा कैंडिडेट हो, इस भाव को हम सबको जीना है। मैं मंच पर विराजे सभी परिवार के हमारे नेताओं को, सारे परिवार के साथियों को, युवा साथियों को, नई पीढ़ी आई है पंडित जी, मैं देखता हूं कि 3-4-5 लोग आप लोग जो मोस्ट सीनियर है, उसके बाद सब नए नए चेहरे फिर आने लगे हैं। ये भी एक अच्छा घोतक है कि नए हमारे लोग आए। प्रभारी महोदय, आपके नए इधर भी कार्यकर्ता भी, नए नए बच्चे भी बहुत आ रहे हैं, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये अच्छी साइन है पार्टी के लिए। हमारे नेता ने 3,500 किलोमीटर पैदल चल के कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल जी ने चल के सीधा स्पष्ट कहा है कि देश में प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, इंसानियत की, भगवान राम की, कृष्ण की, पैगंबर की, सबके लिए जगह है यहाँ, पूरा देश सबका है। ये जो बार बार नफरत की बात करने वाले लोग, घृणा की बात करने वाले लोग, नफरत फैला के चुनाव जीतने वाले लोग हैं कौन, इनके पृष्ठभूमि पे आप जाओगे तो पता लगाओगे कि ये 100 साल पहले दलित भाइयों से नफरत करते थे, उनको पास नहीं आने देते थे, उनसे छुआछूत करते थे, वोट के लिए ये लोग तर्न हुए। तो ये बात, ये भावना हम सबके जहन में होनी चाहिए कि हम एकजुटता से कांग्रेस की सरकार बनाए, विजन के साथ हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के भविष्य को बनाए। चूंकि आज डोल 11 का दिन है, सब हमारे प्रमुख नेताओं को भी जाना है, आप सबको भी जाना है, मैं फिर एक बार डोल 11 की शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सभी कांग्रेस परिवार के साथियों को कि त्योहार के दिन इतना बड़ा स्वागत और सत्कार आपने किया, मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा। एक बार फिर भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। के लिए भाई विशाल गोलू अग्नित्री जी और हमारे साथी भूपेंद्र तलुजा स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी,
विशाल